गाइस, मैं हूं अथर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इनविटेशनल स्क्रीम टूर्नामेंट के लिए थंबनेल बनाने वाले हैं, वो भी बहुत सिंपल वे में। अभी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है वैसे आपको PLP फाइल एडिट कर पाओगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में मैं आपको पासवर्ड दूंगा, उससे आप इजीली PLP फाइल का एक्सेस कर पाओगे। बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सिंपली हमें पिक्सल लेव ओपन कर लेना है। पिक्सल लेव ओपन करने के बाद इमेज साइज में चले जाना है और उसका यूट्यूब थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है, 16:9। जस्ट सिंपली हमें इंपोर्ट में चले जाना है। इंपोर्ट में चले जाने के बाद हमारा जो 1K का पैक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप एक पूरे इमेज डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड उठा लेना है। अभी ये मैं टीम वाला उठा रहा हूँ। अभी सिंपली मैं इसका साइज चेंज करूँगा और इसको पूरा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद शेप में चले जाना और इसके ऊपर एक शेप ऐड कर देना। शेप ऐड पूरा का पूरा बैठ जाना चाहिए, उसमें फिल होना चाहिए वो पूरा। उसके बाद सिंपली हम ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे, उसका ओपेसिटी कम कर देंगे। आपके जेब से आप बैकग्राउंड चूज़ करोगे उसके हिसाब से आप सिंपली वहाँ पर एडजस्ट कर लेना। अभी हमें सिंपली इमेजेस में चले जाना है और इधर मैंने ये शेप ऑलरेडी बना के रखा है। सिंपली आपको जस्ट इसको इम्पोर्ट कर लेना है और उसका साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ बढ़ा देने के बाद उसका पूरा 100 कर देना आप साइज़। आप ऐसे इसमें ऐसे भी कर सकते हो या फिर इधर रिलेटिव साइज़ में जाके 100 कर देना। होने के बाद सिंपल लेयर को लॉक कर देना। लेयर को लॉक करने के बाद हमें ये ब्रश स्ट्रोक वाला दो एक्स इंपोर्ट कर लेना। अभी ये एक एक्स है, इसको इंपोर्ट करने के बाद इसका लेयर का पोजिशन चेंज कर देना। इसको इसका डुप्लीकेट बना के फिर से उसका पोजिशन चेंज कर देना है। लेयर का पोजिशन चेंज करने के बाद दोनों के पीछे एडजस्ट कर देना। अभी हमें सिंपल इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं जो येलो कलर चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। अब जो कोई आपके आँखों को पसंद, मतलब आपके कोई टूर्नामेंट होगा जिसका कुछ कलर थीम होगा, आप उसके हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते चूज़ कर सकते हो। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर मैं बहुत सारे पोल्स वगैरह डालता रहता हूँ या फिर मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए PLP फाइल भी वहाँ पे शेयर करता हूँ मैं। तो अभी हमें सिंपली यहाँ पर हम एक टाइटल दे देंगे। आपके जो कोई भी टाइटल होगा, मतलब एक कॉम्पिटेटिव स्क्रीम्स हो गया, इनविटेशनल स्क्रीम हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर पासवर्ड शो हो रहा है, वो पासवर्ड नोट कर लेना। अभी सिंपली हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना और इसका जो एक वर्ड हाईलाइट करना है, मतलब अभी यहाँ पर मैं स्क्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसा एक वर्ड हाईलाइट कर लेना। उसके बाद हमें सिंपल न्यू टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इन्विटेशनल लाइव ऐड कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो या फिर आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा PLP फाइल में जाके एडिट करोगे तो भी हो जाएगा ये। जस्ट सिंपल ऐड कर देना और कैपिटल कर देना सब वर्ड्स को। और सिंपली अभी हमें बैकग्राउंड में जाना है, फॉन्ट में चले जाना है, फॉन्ट चूज़ कर लेना। तो अभी हम ज़्यादातर पोस्टर बनाते हैं तो इसीलिए हम कोई अलग अलग से फॉन्ट यूज़ नहीं करते, हम जो सिंपल फॉन्ट रहते हैं वही यूज़ करते हैं। सो ये फॉन्ट्स आपको आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वैसा ही, उसका नाम नोट कर लेना और सिंपली सर्च कर लेना। अभी बैकग्राउंड आपको वाइट चूज़ कर लेना है। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद आपको पैडिंग बढ़ा देना है, जितना आप लेफ्ट का पैडिंग रखोगे राइट का पैडिंग उससे एक कम रखना सिंपली। अभी यहाँ पर हो गया हमारा, और कलर बैकग्राउंड से मैच होता हुआ रख देना। अभी हमें सिंपली जो तुम्हारे स्पोर्ट का लोगो होगा, मतलब तुमने जो स्पोर्ट के लिए लोगो बनाया होगा खुद का, अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैंने उसके ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप उस तरह से एडिट कर पाओगे। तो अभी सिंपली इस टाइप का आपको एक लोगो ले लेना है क्लैन का, उसका साइज़ कम करके लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर देना। पर पासवर्ड शो हो रहा है, जस्ट सिंपली आप वो नोट कर लेना। अभी सिंपली हम जिस गेम के लिए आप कर रहे हो उस गेम का भी लोगो है वो ऐड कर देना नीचे राइट साइड में। अभी लोगो ऐड करने के बाद हमें सिंपली हमारा इमेज तो बन गया, अभी हमें इसे सिर्फ सेव कर देना है तो कुछ फाइनल ऐसा दिखेगा। तो भाई यहाँ तक देखा है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो बाय।